वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का जो डे है ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। फोटोग्राफी में हर एक इंसान का कभी ना कभी लाइफ में इंटरेस्ट जरूर रहता है और ये एक ऐसा पार्ट है लाइफ का जो कि आप लोगों को एक लाइफ की खूबसूरती कैसे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो लोग फोटोग्राफर होते हैं वो एक ऐसी चीज में भी एक सुंदरता ढूंढ लेते हैं जहां पर हम लोग चीजों को सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये भी एक तरीके कलाकारी है, नेचर को देखने का तरीका, जैसी चीजें हैं उसको उस तरीके से न देखकर एक इस तरीके से देखना, एक ऐसी फोटोग्राफी करना जो कि हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये इतना सुंदर भी ये चीजें लग सकती हैं, तो उसको कहते हैं एक तरीके से फोटोग्राफी। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जैसे शादी विवाह होते हैं तो आप लोगों ने फोटोग्राफर वहां पर देखे होंगे, या फिर कोई भी फंक्शन होता है कई बार फोटोग्राफी, आप लोग कहीं घूमने जाते हैं तो फोटोग्राफी करते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट वहां पर कैप्चर हो जाते हैं, कुछ ऐसी पिक्चर जाने अनजाने में कैप्चर हो जाती है जो हम लोग सोचते भी नहीं है कि इतनी सुंदर लग सकती है। तो वही एक चीज होती है रियलिटी में फोटोग्राफी। क्या लाइफ में कोई ऐसी पिक्चर है जो आप लोगों से गलती से वो ले ली गई हो और वो बहुत सुंदर पिक्चर है, तो आप लोग लाइफ में उसके साथ का अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो ये इसी के चलते आज कोई अच्छी सी फोटो अपनी खींचेगा जो कि एक आप लोग अपने उन्हें कहते दिल से, एक कोई भी अपनी नहीं या फिर कोई भी नेचर की फोटो खींचेगा और आप लोग उस फोटो को खींचकर मेरे साथ में ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं। तो देखता हूं कैसी कैसी कलाकारी आप लोग कर कैसी कैसी कलाकारी आप लोग करते हैं। ट्विटर का लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाता है, वहां पर जाकर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप लोगों की कलाकारी फोटोग्राफी, हर एक इंसान के अंदर एक कलाकार होता है पर उसको पहचानना होता है, तो आप लोग अपने कलाकार को पहचानिए, देखता हूं कितने कलाकार निकल कर आते हैं। और बाकी ये एग्जाम का कैलेंडर आ गया है, अभी पीएफओ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था तो वो भी आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ईपीएफओ से रिलेटेड की एग्जाम कब होने वाला है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी अपने एग्जाम को आप लोग आगे लेकर चल पाएंगे, ओके। तो 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ता हूं, आज का क्विज है आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यूपीएससी का जो कैलेंडर है उसकी जो वीडियो है वो मैंने मॉर्निंग में अपलोड कर दी थी, ईपीएफओ वाली आप लोगों की, वो आप लोगों की 11 बजे करीब अपलोड कर दी थी। तो इस तरीके से आप लोगों की कई सारी वीडियो हो गई आज लोग मॉर्निंग से, पहले क्वेश्चन वाली आई, फिर आप लोगों की यूपीएससी कैलेंडर वाली आई, फिर द हिंदू वाली आई, फिर ईपीएफओ कैलेंडर वाली आई और अब ये वीडियो आप लोगों की आ रही है। तो अच्छे से एंजॉय करते रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीजें कई बार थोड़ी लेट हो जाती हैं, कई बार ऐसा होता है चीज़ें टाइम पे नहीं आ पाती हैं, तो अभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टाइम पर आ जाती हैं, तो कम से कम जो चीज़ें टाइम पर आ रही हैं उनको एंजॉय कीजिए, जो टाइम पर नहीं आ पा रही हैं उसके लिए सॉरी, कोशिश करता हूँ पर लेकिन कई बार थोड़ा इधर उधर हो जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अभी थोड़ा शिफ्टिंग की प्रॉब्लम चल रही है, तो 2-3 दिन में यहाँ पर ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद में फिर चीज़ें सही हो जाएंगी, पर वीडियो आप लोगों की रेगुलर आएगी उसको लेकर आप लोग टेंशन में मत रहना, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर IISER के बारे में, ये क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है और ये कहाँ पर लोकेटेड है, जिसके द्वारा अभी यहाँ पर ये जर्मिनेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। जर्मिनेशन क्या होता है, जब एक बीज में से एक पौधा निकलता है, एक ऐसा पौधा जिससे इसी तरह का बीज बनाया जा सकता है, तो पूरा प्रोसीजर जो होता है उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर में अगर जर्मिनेशन को हम लोग सुधार दें तो ये माना जाता है कि हम लोग काफी कुछ एग्रीकल्चर के अंदर सुधार सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है धरती के ऊपर, पर लेकिन जो जनसंख्या है वो जनसंख्या बढ़ते बढ़ने के साथ में जो लैंड एरिया है वो फिक्स है, तो उसी पर्टिकुलर लैंड एरिया में कितना ज्यादा हम लोग प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात की जाती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के बारे में बात करते हैं हम लोग, ये इसके द्वारा एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, किसके साथ में अभी, जिसमें बात की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा ड्रिवन डिसीजन के बारे में और मशीन लर्निंग के बारे में, ताकि जो हाईवेज होते हैं उनके ऊपर जो एक्सीडेंट या उल्टी सीधी हरकतें होती हैं उनको हम रोक सकें, बेसिक पर्पज यहां पर ये है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को बताना है कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहां पर अभी रिसेंटली हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड इसके जो प्रोग्रेस है उसको रिव्यू करने की बात की गई है, इससे रिलेटेड 3 प्रोजेक्ट अभी इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों से पूछा भी था। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी ये फिट इंडिया, ये बेसिकली एक यूथ क्लब के बारे में, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया, तो ये आप लोगों को बताना था। 15 अगस्त एक और ईयर यहाँ पर जिसको विक्ट्री इन जापान या फिर विजय डे के नाम से हम लोग जानते हैं, तो कौन सी वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ज्वाइंट कोस्टल पेट्रोल के बारे में, तो किसके द्वारा यहाँ पर ये एक तरीके से कमीशन किया गया ताकि सिक्योरिटी कोस्टल एरिया की और यहाँ पर इन्हेंस की जाए। अच्छा, कोस्टल एरिया के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूँ, कितने ऐसे राज्य हैं हमारी कंट्री में जो कोस्टल एरिया के साथ में कनेक्ट रहते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये आप लोगों को बताना है।
आइए आंसर के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, जो भी आप लोगों से क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं उनके आंसर एक बार देख लीजिए, फिर आप लोग अच्छी से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो भोपाल में ये लोकेटेड है और इसके द्वारा बात की गई थी कि सीड को जर्मिनेशन के थ्रू प्रोसीजर के थ्रू अपग्रेड किया जाएगा। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर का जो हमारा प्रोसीजर है वो अपडेट होता हुआ नजर आएगा। जर्मिनेशन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक बीज में से पौधा निकाला जाता है बिल्कुल उसी प्रोसीजर से जिस तरीके से उस पौधे के ऊपर वो बीज होता है, यानी कि बीज से बिल्कुल ऐसा ही पौधा तैयार करना। तो अगर उस प्रोसीजर को हम लोग अपग्रेड कर देते हैं तो आप लोग ये समझिए जो हमारी एग्रीकल्चर है उसमें हम लोग उसको अपग्रेड कर पाएंगे एक तरीके से। एक ये हमारी एग्रीकल्चर में एक तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रोसीजर बोल सकते हैं जो कि अभी यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश के द्वारा यहां पर ये कंडक्ट कराया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा मिलकर काम किया जा रहा है आई दिल्ली के साथ में मिलकर, ताकि जो भी उल्टी सीधी हरकतें हाईवेज के ऊपर होती हैं जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह या फिर और भी जो प्रॉब्लम रहती हैं उनको सबको कंट्रोल किया जा सके, तो ये बेसिक पर्पज है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के बारे में बात की थी हम लोगों ने, तो इससे रिलेटेड यहां पर ये हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड, ठीक है। तो याद रखिएगा न्यू दिल्ली में यहां पर ये लोकेटेड है। इनके द्वारा तीन प्रोजेक्ट को अभी रिव्यू करने की बात की गई थी कि उनका प्रोसीजर कैसे चल रहा है। मैंने आप लोगों से एट कोर सेक्टर के बारे में बात की थी, एट कोर सेक्टर का भी पार्ट है यहां पर जब हम लोग फर्टिलाइजर की बात करते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट के बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट जो है इनके द्वारा फिट इंडिया के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर रिसेंटली अभी फिट इंडिया यूथ क्लब ये जो पार्ट है इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, और फिट इंडिया मूवमेंट ये यहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था कंट्री को फिट रखने के लिए। 15 अगस्त 1945 की बात यहां पर की जा रही है, जब यहां पर जापान ने उन्हें कहते हैं कि पानी जो है सर से ऊपर चला गया, तो उस टाइम पर यहां पर इनके ऊपर हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बात थी यहां पर वर्ल्ड वॉर सेकंड की जो हम लोगों ने यहां पर बात की थी, तो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में यहां पर बात की जाती है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड हमारी कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी के लिए यहां पर काम कर रही है ज्वाइंट कोस्टल पेट्रोलिंग की, जिसके चलते यहां पर जो मैरीन पुलिस है उसके साथ ही मिलकर यहां पर ये काम करेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसको बनाया गया था 1988 में और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में काम करती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को बता होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारा हाईवेज का डेवलपमेंट किया जा रहा है जिसकी वजह से ये न्यूज में रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए अब न्यूज के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है ये हमारी कंट्री की डिफेंस मिनिस्ट्री की साइड से, यहां पर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या फिर पोर्टल आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा गया है सृजन, SRIGJN। तो सृजन जो है एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इंडियन ये एक तरीका है ताकि हम लोग अपनी कंट्री में इंडिजनाइजेशन कर सकें, यानी कि लोकल इंडस्ट्री को यहां पर सपोर्ट कर सकें, ताकि हमारी कंट्री में बाहर से हम लोग जो भी सामान खरीद कर लेकर आते हैं उसमें कमी आए और अपनी ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रह सकें। तो हमारी कंट्री के जो रक्षा मंत्रालय है वो राजनाथ सिंह जी के अंडर में इनके द्वारा यहां पर ये सोप ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया गया, जिसके थ्रू जो वेंडर है यानी कि मान लीजिए किसी को कोई सामान बेचना है तो वो यहां पर अपना सामान जो है अपने आइटम जो है वो यहां पर लेकर आ सकता है और उसके सामान आसानी से बेचे जाएंगे। इंडिजनाइजेशन जो पोर्टल यहां पर जिसको बोला गया बेसिकली srijandefense.gov.in, ठीक है। तो एक तरीके से वेबसाइट है, यहां पर जाकर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की डिफेंस सेक्टर में, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाएंगे अपने आइटम की, खासकर जो इंडिजनाइजेशन है वो भी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जो डिफेंस रिलेटेड PSU है या फिर ऑर्डिनेंस बोर्ड फैक्ट्री है या फिर दूसरा जो भी यहां पर एक तरीके से हेडक्वार्टर है, ये मिलकर यहां पर काम करेंगे अपने आइटम को डिस्प्ले करने की, ताकि जो इंडस्ट्री है जो डिजाइन कर रही है डेवलप कर रही है मैन्युफैक्चर कर रही है उनकी कैपेबिलिटी और ज्वाइंट वेंचर के थ्रू जो काम कर रही है, ठीक है, जो भी हमारी कंट्री में डिफेंस सेक्टर है उसके थ्रू, तो ये मिलकर यहां पर काम करें और जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री की डिफेंस की उसको फुलफिल कर पाएं। और जो ज्वाइंट वेंचर है यहां पर ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, इसके साथ मिलकर यहां पर काम करेंगे, ठीक है। तो ये सेक्टर हेडक्वार्टर हो गया, ये ऑर्डिनेंस बोर्ड फैक्ट्री हो गया, और यहां पर ये हो गया जो डिफेंस PSUs हैं, तो ये मिलकर सारे काम करेंगे। तो इंडियन इंडस्ट्री जो है वो अपना इंटरेस्ट शो कर रही है यहां पर, इसी के चलते आने वाले टाइम में हम लोग अपनी ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी रखेंगे, जिसके चलते यहां पर जो रिक्वायरमेंट है जो भी आइटम्स की उनके लिए गाइडलाइन या फिर क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए वो भी सारा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर इंडियन इंडस्ट्री फॉर इंडिजनाइजेशन की बात की जा रही है डिफेंस सेक्टर में, इसका एक रीजन और आप लोग पर जानिए। अभी आज की डेट में हमारा चाइना के साथ में झड़प हो रही है, हम लोग रसिया से अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो रसिया मना कर सकता है क्योंकि चाइना उसका फ्रेंड है। इसी तरीके से मान लीजिए किसी टाइम पर अगर कल को किसी और कंट्री के साथ में हमारी झड़प होती है तो मान लीजिए वो यूएसए का पार्टनर है तो यूएसए हो सकता है हमको यहां पर उस टाइम पर डिफेंस इक्विपमेंट देने से मना कर दे, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है अगर इस तरीके से किसी कंट्री के ऊपर हम लोग अपनी डिपेंडेंसी रखेंगे। तो अपनी कंट्री का लोकल फॉर वोकल वाली बात है, अपनी कंट्री के आइटम को सपोर्ट करो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं,
नेक्स्ट यहाँ पर एक मिशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी जिसको बोलते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में हमारी कंट्री में आधार के साथ में कनेक्ट कर आईडी कार्ड बनाए जाएंगे एवरी इंडियंस यानी कि हर एक सिटीजन के। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोगों के पास में आधार कार्ड है, वहां पर आप लोग का आईरिस स्कैन रहता है, फिंगरप्रिंट रहते हैं, आप लोग का एड्रेस रहता है, यानी कि अगर किसी को आप लोग का आधार कार्ड मिले तो आप लोग के घर तक पहुंच सकता है, आप तक कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो एक तरीके से आप लोग की इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई सिम लेना चाहते हैं, बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो जरा सी देर में आधार कार्ड से उसको अनलॉक कर लिया जाता है। तो सेम फीचर आप लोग का आधार कार्ड की कनेक्टिविटी आप लोगों को जैसे आधार कार्ड है इसी तरीके से लाइक आधार कार्ड आईडी कार्ड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। और ये डिजिटल आईडी कार्ड यहां पर रहेगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत। आप लोगों को आज के दिन में कोई बीमारी है, कल कोई बीमारी हो रही है, या फिर दो साल पहले कोई बीमारी थी, आने वाले दो साल बाद में खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहां पर इसके अंदर रहेगी ताकि डॉक्टर अगर कोई इस टाइम पर आप लोगों को देख रहा है तो वो समझ सके चीजों को। तो रिवोल्यूशन एक तरीके से रिवोल्यूशन करने की कोशिश की जा रही है हेल्थ सेक्टर के अंदर। तो आइडिया अच्छा है, इंप्लीमेंटेशन कैसी होती है वहां से पता चलेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त को यहां पर इसको स्टार्ट किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। केरला हमारी कंट्री का एक ऐसा राज्य है जो कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। खासकर अगर बात करें इसको बोलते हैं आप लोग रेमिटेंस। सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में जो रेमिटेंस आता है वो कहां पर आता है, वो केरला के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि केरलावासी काफी पढ़े लिखे होते हैं और बाहर की कंट्री में काम करने के लिए काफी केरला वाले आप लोगों जाते हुए नजर आते हैं। तो इसके चलते केरला से जो भी यहां पर हमारी कंट्री के बाहर जो लोग गए हुए हैं वो पैसा भेजते हैं कमाकर, उसको आप लोग रेमिटेंस बोलते हैं। केरला के अंदर सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है हमारी कंट्री में। तो फिलहाल अभी वो रेमिटेंस जो है वो कम होने वाला है, आने वाले टाइम में काफी जो लोग हैं बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में वापस आ रहे हैं कोरोना वायरस के चलते। तो कंडीशन काफी खतरनाक यहां पर बन रही है। तो इसी के चलते एक तो कोरोना वायरस की इकोनॉमी पर इंपैक्ट डालने वाला है, दूसरा यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि अभी यहां पर कई सारे लैंडस्लाइड देखने को मिले, 83 के करीब जो लोग हैं उनकी जान चली गई, खासकर जो टी सेक्टर से कनेक्टेड थे यानी कि चाय का इस चाय की खेती किया करते थे। तो यहां पर बात की जा रही है, ये है राजमाला। राजमाला जो यहां पर इराविकुलम जो नेशनल पार्क है वहां पर देखने को मिलते हैं, जहां पर भी काफी बड़ा इसका इंपैक्ट पड़ा। इसी के साथ में जो हाउस है ई स्टेट वर्कर यानी कि जो टी वर्कर थे उनका काफी सारे लोगों की जान चली गई। वनरेबल लोकेशन जो है यहां पर एक तरीके से लैंडस्लाइड, अगर 40 डिग्री से ज्यादा स्लोप आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, जो लैंडस्लाइड देख रहे हैं वहां 40 डिग्री के स्लोप पर यहां पर नजर आ रहा है। नॉर्मली अबाउट 20 भी खतरनाक हो जाता है, यानी कि बोला गया अगर 20 डिग्री स्लोप तो खतरनाक माना जाता है, पर लेकिन यहां पर 40 डिग्री के करीब स्लोप हो गया तो ये तो और भी ज्यादा खतरनाक यहां पर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर ये खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देता है, जब भी बारिश होती है तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो जो हाई कंटेंट ऑफ सैंड है या फिर जो वाटर ऑब्जर्व कर रखा है कुछ ऐसी नहीं, तो मिट्टी सी होती है, जैसे पहाड़ है कोई मिट्टी का बना हुआ है तो वो एक तरीके से स्लिप करने लगते हैं। तो इसकी वजह से जो नीचे लोग रहते हैं, मान लीजिए ये एक पहाड़ी है यहाँ पर इस तरीके की, ठीक है, और यहाँ से मिट्टी स्लिप करना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे किसी लोगों के घर है तो ये सीधा सीधा मलबे में सारे दब जाते हैं। जब वोल्केनोज आते हैं तब भी ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो दोनों ही तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा देखने को मिली, ये यहाँ पर कवल्लापुरा, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये मल्लापुरम, नेक्स्ट यहाँ पर पुथुमला, ये है वेनाड, इसी तरीके से 2018 में भी इद्दू की कई सारे एरिया यहाँ पर दे रखे हैं। ये याद नहीं रखने आप लोगों को, बस ये याद रखिए केरला में लैंडस्लाइड काफी ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में हमारी कंट्री में। ये बात की जा रही है आफ्टर सक्सेसफुल लॉन्च जब किया गया था हमारी कंट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड, जो यहाँ पर खासकर अटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है हमारी कंट्री में जब स्टार्ट किया गया था, बेसिक इसका पर्पज ये था कि हम अपने ही कंट्री में चीजों को इनोवेट कर सकें और उसी के साथ में अपने ही कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपने ही प्रोडक्ट खुद से बना सकें, अपनी ही स्टडी खुद से कर सकें। तो इसी के चलते ग्राउंड लेवल पर यानी कि स्कूल के लेवल पर यहां पर काम करने की बात की गई। तो इसी के चलते यहां पर अटल इनोवेशन जो मिशन था उसके साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी एड कर दिया गया है नेस्कॉम के साथ में मिलकर। नेस्कॉम के यहां पर यह नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है, ये मिलकर हमारी कंट्री में काम करेगी। इसका फायदा क्या होगा आप लोग ये समझिए, आगे आने वाले टाइम में जो हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चेंज करने की बात की जा रही है, तो अगर आप लोग स्कूल से कॉलेज से अपनी एजुकेशन करके जैसे ही बाहर निकलोगे उसके बाद में जो बेसिकली जो लास्ट फेज हुआ करेगा आप लोगों की एजुकेशन का, आप लोगों को उस तरीके से तैयार किया जा सकेगा ताकि आप लोगों की एजुकेशन खत्म होते ही आप लोग यहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में अच्छे लेवल पर आप लोग बिना किसी ट्रेनिंग के, देखिए होगा होता क्या, अब तक क्या होता है स्कूल कॉलेज से आप लोग बाहर निकलते हैं तो फिर आप लोग अलग से ट्रेनिंग कंपनी कराती है, क्यों ना वो सारी ट्रेनिंग आप लोगों की जो आप लोगों की कॉलेज है उसी के साथ में हो जाए, बाहर निकल के कोई ऐसी ट्रेनिंग ना करानी पड़े। तो इस तरीके से चीजों को सेटअप करने की बात की जा रही है और आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पर डेवलप होने वाली है कि इलोन मस्क साहब के द्वारा
ये बोला गया है कि इंसानों को भी अपने माइंड को उस लेवल पर डेवलप करना पड़ेगा ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर सके, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप को एक हाई लेवल पर डेवलप कर लेती है तो वो आने वाले टाइम में इंसानों को भी कंट्रोल कर सकती है। तो इसी के चलते उनके द्वारा अभी यहां पर रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया गया था, इंटरव्यू का एक डिस्कशन था जैक मा के साथ में जो मैं सुन रहा था, उसमें यहां पर यह था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। मशीन एक तरीके से अपने आप को ही अपने आप इनोवेट करने लगे, अपने आप को रीनोवेट करने लगे, कोई प्रॉब्लम होते ठीक करने लगे। तो जिस तरीके से हमारी बॉडी करती है काम, उसी तरीके से अगर मशीन करने लगे और जो कि इंसानों से बहुत ज्यादा हाई पावरफुल होगी, तो ये सोचिए कि आप लोगों ने रोबोट मूवी रजनीकांत की देखी होगी, चिट्टी जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो क्या काम करता है। सोचिए सारी मशीन जिनके अंदर दिल दिमाग, एक तरीके से दिमाग है पर दिल नहीं है, इमोशंस नहीं है, अगर थोड़ी बहुत इमोशन भी है तो अपने हिसाब से उसको खेलने लगे तो इंसानों को जरा सी देर में गुलाम बना सकती है मशीनें, तो उस लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो सकती है। तो उसी को रोकने की कोशिश की जा रही है इलोन मस्क के द्वारा, बोला जा रहा है कि हम लोगों को इसके साथ में इसका एंटीडोट भी ढूंढना पड़ेगा, कल को अगर ये इस लेवल पर डेवलप हो जाती हैं तो हम लोग इसको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे वो हमको पता होना चाहिए। तो उसके लिए वो एक चिप डेवलप कर रहे हैं जिसको इंसानों के माइंड में लगाकर इंसानों के माइंड को उतना तेज चलाया जा सकेगा जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में हम लोग अपने माइंड को कंपेयर कर सकें। तो ये है बेसिक एक तरीका। तो एम क्या है, अभी तो फिलहाल ये इनिशियल फेज में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जो बेसिकली है सक्सेसर, जो इसका जो सक्सेसर होगी यहाँ पर आर्टिफिशियल बेस मॉड्यूल जो लॉन्च किया गया था फरवरी में इसी साल में, तो उसका अपग्रेडेड वर्जन आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट जो एक्टिविटीज हैं उसके साथ में यहाँ पर बात की जा रही है, एक तरीके से सेटअप करने की मॉड्यूल ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई किया जा सके रियल वर्ल्ड में। देखिए एक तो होता है आप लोगों की नॉलेज, आप लोगों ने पढ़ ली, ठीक है, एक होता है उसका एप्लीकेशन। जब तक नॉलेज का एप्लीकेशन आप लोग नहीं जानते तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। और यूपीएससी के एग्जाम की आप लोग तैयारी अगर कर रहे हैं तो वो तो हमेशा इसके बारे में आप लोगों से बात करती है कि जो भी आप लोगों ने नॉलेज ली है उसका एप्लीकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बेसिक पर्पज आप लोगों यहां पर देखने को मिलेगा। तो एप्लीकेशन जरूरी है और एप्लीकेशन बेस ही आप लोगों के जो साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा वो एप्लीकेशन बेस ही सारे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है सेटअप मॉड्यूल के बारे में, तो प्रोवाइड कराने की जरूरत है नॉलेज और इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को ताकि बेसिक चीजें समझ सके। जैसे मैं बोलता हूं ना यूपीएससी की तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो, तो पहले आप लोग फिर चीजों को समझ पाओगे। तो उस तरीके से यहां पर चीजों को आगे लेकर चलने की, बेसिक के साथ में आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी अटेंशन जो है अनडिवाइडेड रहे, एक जगह फोकस कर सके। ये ऐसी चीजें होती है जहां पर अगर आप लोगों का जो डिवाइडेड अटेंशन है तो कभी भी आप लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, तो अनडिवाइडेड अटेंशन यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, हमारी कंट्री में अगर आप लोगों से कोई पूछे फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन है तो उनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को ट्रिब्यूट पे करने के लिए इसरो के द्वारा यहां पर रिसेंटली अभी क्या काम किया गया है, यहां पर एक यहां पर बेसिकली जो चंद्रयान 2 था, ठीक है, चंद्रयान 2 जो ऑर्बिटर है उसके थ्रू एक पिक्चर कैप्चर की गई, एक जो गड्ढा आप लोग बोल सकते हैं जो कि जिसको बेसिकली क्रेटर बोलते हैं, ठीक है, तो क्रेटर का नाम साराभाई क्रेटर रखा गया है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो नेम आफ्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये 300 किलोमीटर ईस्ट है ये क्रेटर, जो अमेरिकन जो अपोलो जो सेवन मिशन है उसकी जो साइट थी, और साउथ जो सोवियत के द्वारा लॉन्च किया गया था मिशन लूना 21 मिशन, ठीक है। हम जो अपोलो 11 है जो यहां पर जो आप लोग याद रखते हैं ना नील आर्मस्ट्रांग के बारे में की फर्स्ट पर्सनैलिटी जिसके द्वारा चांद पर कदम रखा गया था वो है अपोलो 11 मिशन। यहां पर बात करें अपोलो 7 यानी कि उसके बाद भी कई सारे मिशन इनके द्वारा चांद के लिए यहां पर छोड़े जा चुके हैं। तो बेसिकली यहां पर जो डेप्थ है इसकी ये बोला गया कि जो डेप्थ है अराउंड 1.7 किलोमीटर के करीब यहां पर है, जो कि एक काफी बड़ा गड्ढा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 20 से 35 तक का डिग्री का यहां पर आप लोगों को इसका ढलान देखने को मिलेगा, ये जो बेसिकली इसके अंदर गड्ढा है। तो ये जो स्पेस साइंटिस्ट है उनके द्वारा अंडरस्टैंड किया जा रहा है इसकी चीजों को लूनार के सरफेस को, तो उसी के नाम पर इनका नाम यहां पर ऐड किया गया, क्योंकि हमारी कंट्री में जो स्पेस के बारे में रिसर्च और स्टडी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर विक्रम साराभाई का, अगर मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग बात करें तो, ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ आप लोग जिनके बारे में याद रख सकते हैं। अच्छा, जो हमारी कंट्री में चंद्रयान जो अभी मिशन छोड़ा गया था उसमें जो अलग अलग चीजें थी, एक तो था रोवर, एक था लैंडर और एक था ऑर्बिटर, ठीक है। तो इनमें से कुछ के नाम रख रखे थे, ठीक है। तो जैसे कि ऑर्बिटर एक तो हो गया यहां पर, चलिए रोवर का नाम आप लोग बताइए, ठीक है, रोवर का कम से कम आप लोग नाम बताइए, उसका नाम आप लोगों को बताना चाहिए। रोवर और लैंडर के नाम थे यहां पर कुछ, वैसे एक का कम से कम कोई नाम आप लोग बताइए, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों क्योंकि वो मिशन भी काफी न्यूज में था और इसी साल का मिशन है तो एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर ये न्यूज है, ये छोटी सी एक न्यूज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर जो ब्रांच बनाई जाती है उसे बायोटेक्नोलॉजी आप लोग बोलते हैं। इससे रिलेटेड सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया पुणे के अंदर में, क्योंकि जैसी जैसी बीमारी चल रही है, जैसी चीजें बढ़ रही है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। सपोर्ट किया जा रहा है नेशनल बायोफार्मा मिशन के थ्रू, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल और बार्क के द्वारा, ठीक है। तो ये मिलकर यहाँ पर सपोर्ट करें, प्रोवाइड करेगा हाई क्वालिटी जो एनालिसिस होता है यहां पर, बेसिकली जो हमारी कंट्री में या फिर कहीं पर भी जो आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, यहां पर बायोफार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो डेवलपर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हुए नजर आएंगे। और जब कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाता है, मान लीजिए आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर कोविड 19 की दवाई आप लोग बना ले मेडिसिन, तो एक तरीके से आप लोग ये समझिए आप लोग बिजनेसमैन बन गए, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पर मार्केट में वो दवाई बेची जाएगी। तो बायो एंटरप्रेन्योर भी फिर यहां से निकल कर आते हैं और एक इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। एक्सपेक्टेशन ये है कि इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड करा सके बायोफार्मा जो इंडस्ट्री हमारी कंट्री में, खासकर मेडिसिन के फील्ड में हम लोग अपनी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रह सके, बाहर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहे। गवर्नमेंट की जो लैब्स हैं, स्टार्टअप हैं और भी कई सारी इंडियन कंपनी है, वो मिलकर यहां पर काम करें, सारे डेटा को इकट्ठा करके इफेक्टिवली हम लोग यूटिलाइज कर पाए और देख पाए क्या क्या हम लोग आज के डेट में जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में उनके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसको भी एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ एक कदम आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सोशल जस्टिस के बारे में, तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस के द्वारा इनोग्रेट की गई एक नई बिल्डिंग, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के बारे में बात की जा रही है, जिसको NISD कहां पर द्वारिका दिल्ली के अंदर में। तो बेसिकली सोसाइटी में सोशल जस्टिस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इक्वलिटी जिस तरीके से आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलती है वो होनी चाहिए। बेसिकली जस्टिस खासकर जब बात करते हैं, यहां पर इकोनॉमिक जस्टिस होता है, सोशल जस्टिस होता है, तो यहां पर सोसाइटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए अगर किसी भी तरीके से हम लोग बात करें। तो इसी के चलते यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है वो यहां पर काम करेगी इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के चलते। जो यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल जस्टिस है, ये सोशल डिफेंस है यहां पर, ये एक नोडल ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा इस फील्ड में, जो कि कंट्री में काम करेगा। फोकस एरिया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है उसका, जब इंसानों को आप लोग सही तरीके से सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं, खासकर ड्रग्स एब्यूज से रिलेटेड जो बातें, वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, या फिर अगर जैसे भीख हमारी कंट्री मांगी जाती है, तो अगर आप लोग किसी को भीख देते हैं इनडायरेक्ट वे में आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल डिफेंस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो सारे यहां पर कवर किए जाएंगे, ताकि सोसाइटी को एक प्रोडक्टिव, एक इफेक्टिव सोसाइटी बनाई जा सके। तीन मेन डिविजन यहां पर, नेशनल सेंटर फॉर ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन, ओल्ड एज ये केयर डिवीजन है, नेक्स्ट है सोशल डिफेंस। तो ये तीन मेन एरिया में यहां पर काम करेंगे। जो सेटअप है ओरिजिनली यहां पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कोर सेक्शनल सर्विस जो है यहां पर 1961 में यहां पर आप लोगों को देखने को मिली थी, ठीक है। तो यहां पर ये कोर रिएक्शनल, ठीक है, तो कोर रिएक्शनल सेंटर ब्यूरो फॉर कोर रिएक्शनल सर्विस 1961 में ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती थी। अब फिलहाल जो यहां पर नई चीजें चल रही है, यहां पर बात की जा रही है सोशल जस्टिस। देखिए पहले जो मिनिस्ट्री हुआ करती थी वो एक अलग तरीके से डिवीजन था, बहुत सारी नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, जैसे जल शक्ति मंत्रालय एक नया बनाया गया अभी 2019 में। तो बेसिक पर्पज ये कि जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चेंज कर दी जाए। पहले होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती थी चीजें, अब 1975 में इंस्टीट्यूट जो है सबोर्डिनेट हो गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, ठीक है। जो NISD है यहां पर, ये जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस हम लोग बोल रहे हैं, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि हमारी कंट्री में काम करती है। यहां पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के हिसाब से, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में, और नॉर्मली मिनिस्ट्री के इसके अंडर आती है, यानी कि बजट वगैरह यहां से और काम वगैरह यहां से, तो इस तरीके से एक बैलेंस बनाकर इसके द्वारा काम किया जा सकता है। तो सोसाइटी को एक वेलफेयर बेस्ड सोसाइटी बनाने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने क्विज वगैरह देखे, ये सारी चीजें। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर जो डिस्कस किया एक पर्टिकुलर सीरीजन के बारे में बात की, जो कि यहां पर बात की जा रही है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर जाना केरला में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो काफी बड़ी प्रॉब्लम आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जाना, हमारी कंट्री में क्या फोकस किया जा रहा है। इसी के साथ में हम लोगों ने अटल जो इनोवेशन मिशन है उससे रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अप्रोच को देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर देखा इसरो के द्वारा एक प्रोजेक्ट का नाम सारा भाई के नाम पर रखा गया है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर देखा सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा जो यहां पर अभी नई बिल्डिंग इनोग्रेट की गई है दिल्ली के अंदर में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो देखता हूं कितना एंजॉय किया है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सबसे पहले नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये इनोग्रेट किया गया इनके द्वारा एक सेंटर कहां पर, ठीक है। तो सेंटर फोर क्या, इसका नाम क्या है पूरा, ये भी आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में लैंडस्लाइड यहां पर 83 जो लगभग लोगों की जान चलेगी टी स्टेट वर्कर की, ये कहां पर अभी देखने को मिला। इसी के साथ में अटल मिशन
क्वेश्चन के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं जब यहाँ पर, बेसिकली इसको अटल टिंकरिंग लैब बोलते हैं, ठीक है, ATL जो लिखा हुआ है यहाँ पर, अटल इनोवेशन मिशन के तहत यहाँ पर ये काम किया जाता है। तो किसके साथ मिलकर यहाँ पर अभी काम किया जा रहा है, डॉक्टर सरा भाई के नाम पर अभी एक क्रिएटर का नाम रखा गया है, तो उसका नाम क्या है यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री है ये बताना आप लोग, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर अभी इनोग्रेट किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, जो सोशल डिफेंस, जस्टिस इन डिफेंस, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक पोर्टल इनोग्रेट किया गया, इसका नाम आप लोगों को बताना है, जहां पर हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो ऑनलाइन अपना सामान जो है वो अपना आइटम रख पाएंगे ताकि उसको इंडिजनाइजेशन किया जा सके, ठीक है। तो ये था आज का टोटल, आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। PDF यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कनेक्ट रह सकते हैं, और फीडबैक देकर जरूर जाइएगा अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करना, पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना डिसलाइक क्यों किया या फिर लाइक क्यों किया ताकि और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। टाइम मिले किसी को जरूर पढ़ाइए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।